नजर आया कि बाबर आजम के साथ कोई खेला नहीं, वाकई आज कोई नहीं खेला, और बाबर आजम एक छक्का आठ चौके 37 बॉल्स 58 रन्स। शुरू में आया था, इंटेंट दिखाई, दो चौके जल्दी मारे, 200 की स्ट्राइक रेट तक था, फिर थोड़ा डिप आया, स्लो खेला इसने। जब फकर जमान ने अटैक करा 10 बॉलों में 19 रन 190 की स्ट्राइक रेट, आजम खान आया साथ में 10 142, किसी ने रन बनाए नहीं ना। हाँ, नवाज ने नीचे से आके थोड़ा बहुत करा, तब तक मैच खत्म हो चुका था। आज बाबर आजम की बैटिंग ने इंप्रेस किया है, वो खेला तगड़ा है, नो डाउट अबाउट इट। आज बाबर आजम तगड़ा खेला है, लेकिन आप ये देख लो कि तीन मैच में लगातार बाबर के 350 आ चुके हैं। पहले मैच में मेरे ख्याल 66 थे, वो भी अच्छी स्ट्राइक रेट थी, 160 प्लस थी स्ट्राइक रेट। सेकंड मैच में भी 150 प्लस स्ट्राइक रेट थी, 50 था उसमें भी, और तीसरे मैच में आज भी 50 आया है, 150 प्लस की स्ट्राइक रेट है, लेकिन तीनों मैच पाकिस्तान हार गया। 57 थे पहले मैच में मेरे ख्याल, 57 थे, ठीक है। तो लगातार 350 बनाने के बावजूद पाकिस्तान नहीं जीत पाया। दो इसके सबसे बड़े रीजन है, एक के ढंग की बैटिंग लाइनअप मुझे नहीं लग रहा, बैटिंग में दम है ही नहीं, ये अभी आजम खान से कुछ हो नहीं रहा। इफ्तिकार रन आउट, अरे भाई ये आखिरी तरीका बताता आउट होने का, सिर्फ ये आखिरी तरीका था। इफ्तिकार आखिरकार करना क्या चाहता है भाई, पिछले मैच में मरवाया इसने, बाबा आदम के जमाने का प्लेयर, आज भी सिंगल नहीं निकल रहा भाई से, सिंगल ही नहीं निकल रहा। बाबर आजम भी कह रहे कहां फंस गया हूं मैं, कभी आजम खान तो खैर एक छक्का मारा उसके बाद पूरा का पूरा रन ही निकले उसके तो भाई, वेल मछली की चाल और मारने में बेहाल, उनको बोल बिल्कुल बेहाल, एक छक्का ही मारा फिर आउट हो गया। तो आज किसी ने बाबर आजम का फ्रैंकली साथ नहीं दिया, लेकिन नजर यही आ रहा है कि पाकिस्तान का कोई लेवल है ही नहीं T20 में अभी। भाई आपका कोई लेवल है ही नहीं, आप आसपास भी नहीं हो, बॉलर्स आपके वाहियात। हारिस रऊफ, अगर ये हारिस रऊफ हत्ते चढ़ गया वेस्ट इंडियंस के, इंग्लिश बैटर्स के, ऑस्ट्रेलियंस के, इंडियंस के, जैसे रोहित शर्मा ने बना था, जब मैं बोल रहा था मुझे रोहित शर्मा का एटीट्यूड पसंद नहीं आया, रोहित शर्मा बोला मेरे को तुम्हारी शक्ल बिल्कुल पसंद नहीं आई मार मार के भरता बना दिया इसका भरता, कचुंबर, शोरबा, रायता सब बना दिया टेपिए का। आज भी देखो फिन आयलैंड ने कितना मारा है यार, तड़पा तड़पा के। अच्छा बोल रहे हो बाबर लगातार रन मार रहा है, एक जगह फिन आयलैंड है, एक जगह बाबर है, डिफरेंस क्या है? बाबर लगातार छक्के मारे जा रहा है, सॉरी फिन आयलैंड लगातार छक्के मारे जा रहा है, मारे जा रहा है, मारे जा रहा है, लेकिन इससे नहीं लग रहे मेरे को, नहीं चाहिए इससे नहीं लग रहे बाबर आजम से, छक्के नहीं लग रहे, चौके लग रहे हैं। बट अगेन बाबर आज के आज मैं बोलूंगा बाबर अकेला क्या कर लेता, आज वो अकेला क्या कर लेता, वो तो अच्छा खेला, अच्छा T20 में उसने अपनी जगह पक्की कर ली, ये तो है। तीन और स्ट्राइक रेट उसने ऊपर करके खेला है, उसकी स्ट्राइक रेट पहले नीचे रहती थी, अब उसने स्ट्राइक रेट ऊपर करके खेला है। फर्स्ट मैच में उसी ने मरवाया था, बिकॉज वो एंड में जाकर स्ट्राइक रेट बड़ी थी, 27 बॉल पे 34 था और एंड में मारना शुरू किया था, लेकिन सेकेंड मैच में बहुत बढ़िया खेला। तो ये पूरा उठा लो, सेकेंड मैच में बहुत बढ़िया खेला और थर्ड मैच में भी बहुत बढ़िया खेला, सेकेंड मैच में बढ़िया खेला, थर्ड मैच में बढ़िया खेला, लेकिन पाकिस्तान यहाँ पे तीनों हार चुकी है मैच, पांच मैच की T20 सीरीज है। प्रियांशु यहाँ पे व्हाइट वॉश होने वाला है बॉस, ये मैच मतलब आसपास भी नहीं है पाकिस्तान इनके यार, आसपास भी नहीं न्यूजीलैंड। सीरीज से पहले लग रहा था कि पाकिस्तान की टीम में थोड़ा बहुत दम है, मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा तो चैलेंज दे सकते हैं। अच्छा पहले मैच में देखो बैटिंग पे बिल्कुल भी कोई भरोसा था, क्योंकि जिस हिसाब से सईद अयूब ने 7 बॉल पे 28 बनाए थे, जिस हिसाब से रिजवान ने इंटेंट दिखाया था, बाबर के अलावा उस मैच में सब तेज खेलने की कोशिश कर गए थे, तो वहां से एक उम्मीद जगी थी। लेकिन आपने दूसरे मैच में जिस हिसाब से खेला वहां से उम्मीद टूटी, अब लग रहा था कि फाइनली कमबैक होगी। लेकिन सीधी सीधी बात, जैसे कि सुशांत भाई ने बोला कि बाबर आजम के साथ कोई टिका है नहीं, देखो टू बी ऑनेस्ट सच्ची बात है, लेकिन मेन मैच पता आपको किसने मरवाया? मैं एक प्लेयर का नाम लूंगा सबका नहीं, रिजवान का। रिजवान ने ऊपर से जो आपके लिए 20 पे 25 बनाया ना, आप वही मैच हार गए थे, मैच वही घूम चुका था। सईद अयूब भले ही यंगस्टर है, बट लेकिन यार तीन मैचेस में लगातार आपने परफॉर्म नहीं किया, एक मैच में 7 पे 28 आए, लेकिन आपकी पारी की इंपॉर्टेंस तभी रहेगी जब वो विनिंग कॉज में आती है। विनिंग कॉज के बिना आपकी पारी की इंपॉर्टेंस उतनी नहीं रहने वाली है और आपको अपॉर्चुनिटी इतनी नहीं मिलेगी लगातार, क्योंकि और भी बंदे जो बाहर बैठे हैं, साजिदा फरहान बाहर बैठा है, बहुत सारे खिलाड़ी बाहर है जो टैलेंटेड है, उनको मौका नहीं मिल रहा, आपको उनसे ऊपर प्रेफर किया जा रहा है, तो आपको जितने मौके मिलेंगे उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब वही मैं बात करूं यहाँ पे यार आपके बाकी बैटिंग ऑर्डर की, तो इफ्तिकार अहमद आपने लगातार उस चाचे को बैक कर लिया है, वो आपका वो चाचा कुछ कर ही नहीं रहा है, रन आउट हो गया है। मैं देख रहा हूं ऑलमोस्ट 3000 लोग हमारे साथ है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा स्पोर्ट्स चैरी को और वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा। सीधी बात यही है भाई, इनकी बैटिंग में रिजवान ठीक है, उसके रन आए हैं नो डाउट अबाउट इट, उसको आप हटा नहीं सकते। बाबर आजम लगातार अच्छा खेल रहा है, कोई डाउट नहीं है। सैम अयूब अभी बच्चा है,
वो कब रन बना देगा, क्या भरोसे पे उसके वर्ल्ड कप खेल जाओगे? इफ्तिकार चाचू जी, और यार खामोश हो जाओ, हमको चाचा मत बोलो, तो भाई तेरे को रिटायर बोल देते, तू भारी बैठ जा, खेला ही नहीं जा रहा, खेला ही नहीं जा रहा। आजम खान जी चुंगा में चबा चबा के, और वो भी धीरे, सूर्य चबाता तेज तेज, या ऑलराइट, ये चबाता धीरे धीरे, जब तक बॉल आ रही है तब तक हाथ ही नहीं घूम रहा, छक्का भी मारा एक, उसके बाद फिर डिसअपॉइंट, तीन मैच यार लगातार डिसअपॉइंटिंग, 3.8 की तेरी एवरेज है भाई T20 में, तेरे कौन खिलाएगा बताओ? इफ्तिकार भी नहीं चल रहा, ये भी नहीं चल रहा, नीचे से नमाज ना के दो छक्के मारे मेरे ख्याल, तब तक मैच खत्म हो चुका था, शाहीन ने एक छक्का मार लिया, क्या हो जाएगा उससे? बाबर अकेले खड़ा, फखर जमान को ऊपर भेजना चाहिए मेरे ख्याल से, फखर जमान और रिजवान से ओपन करा लो। अच्छा, इनकी बॉलिंग में जो ये मर रहे हैं, हारिस रॉफ को बाहर कर दो, उसको परमानेंट, उसको वापस अभी पाकिस्तान भेज दो, उसको वापस, उसको आज ही बोलो कि भाई तो एयरपोर्ट जा, आज उसने 4 ओवर में 60 रन दिए, जबकि आज तो दोस्तों पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान तीसरा T20 मैच भी पाकिस्तान के हक में बेहतर नहीं रहा। पाकिस्तान की टीम तीसरा T20 मैच भी बुरी तरह हार गई है। पाकिस्तान ने मुसलसल तीसरी दफा टॉस जीत कर पहले बॉलिंग करने का फैसला किया और तीनों दफा नाकाम रहे। तीसरे T20 मैच में तो फिन अलाइन ने रिकॉर्ड को बराबर कर दिया, एक इनिंग में 16 छक्के लगाने वाला, तमाम के तमाम बॉलर की खूब धुलाई की, खास तौर पे हारिस रोफ को एक ओवर में 28 रन लगाए, दूसरे ओवर में 23 रन लगाए। इस तरह पाकिस्तान की बॉलिंग कंप्लीट तौर पर फ्लॉप नजर आई, किसी बॉलर में दम नहीं था कि उनका मुकाबला कर सकते। न्यूजीलैंड की टीम तीसरा T20 मैच 45 रन से जीत गई। फिन अलाइन प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव, लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।